में इन्वर्टर्स का स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ चला गया, तो हम देखेंगे नाइट्रो सीरीज में कौन से इन्वर्टर्स हमारे पास हैं। जी ठीक है, नेक्स्ट। नाइट्रो सीरीज में दो किस्म की हमारे पास सीरीज हैं, एक हाइब्रिड सीरीज है और एक ऑन ग्रिड सीरीज है, नाइट्रोक्स हाइब्रिड सीरीज। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास नाइट्रोक्स हाइब्रिड सीरीज में कौन से हमने इन्वर्टर्स को इंट्रोड्यूस करा। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले सबसे मकबूल इन्वर्टर पिछले साल से अब तक का नाइट्रोक्स 5 किलोवाट सिंगल फेज इन्वर्टर उसे है, जिसके आउटलुक को हमने चेंज किया है, वाइट कलर से अब इसको गन मेटालिक कलर के ऊपर लेके आए हैं और इसके अंदर हमने सिर्फ एक फीचर को चेंज किया है जो कि मार्केट की सबसे ज़्यादा नीड थी। हमारे पास दिन में 10 कॉल्स ऐसी आती थी जिसमें लोग ये पूछते थे, सर इस पर 500 वाट्स का सोलर पैनल लग जाएगा, इस पर 550 वाट्स का सोलर पैनल लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो हमने इसके MPPT को 11 एम्पीयर से बढ़ा के 12.5 MPPT कर दिया है। इस मतलब टोटल जो है इसके अंदर हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क सिंगल फेज 5 किलो वाट के फीचर्स हैं क्या क्या, उसमें फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें हमने क्या चेंजेस किए। नेक्स्ट स्लाइड। सिमिलरली लास्ट टाइम इसका आउटलुक हमने चेंज किया है नेटवर्क 5 किलो वाट में, और सबसे मेन फीचर जो उसमें चेंज किया हमने उसके अंदर 25 एम्पीयर का डुअल MPPT सपोर्ट्स अप टू 560 वाट्स ऑफ सोलर पैनल्स, जिसमें अब आपको कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। कस्टमर 500 वाट का पैनल लेके आए, 550 वाट्स का पैनल लेके आए, आपने उसको बोला है मैंने लॉन्चिंग सेरेमनी देख के आया हूँ उसका MPPT बढ़ चुका है, आप आके बंद करो और इसके ऊपर जितना बड़ा मार्केट में सोलर पैनल मिल रहा है आप आके बंद करके उसके ऊपर लगाओ। इसके ऑप्शन से उज़ैर सभी वाकिफ़ हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसके ऑप्शंस को आप थोड़ा सा ब्रीफली एलैबोरेट करें और फिर हम इसके आगे चलेंगे। इसके बाद आप पहले इसके जो ऑप्शंस हैं उसको। जी बिल्कुल, इस इन्वर्टर की नेटवर्क तो खैर 5 किलोवाट से सभी वाकिफ़ हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या है। बहुत सारे इंस्टॉलर हमारे दरमियान में मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की तारीफ ही करते हैं और वो बहुत खुश हैं इसको लगाने के बाद। सो इसमें जो फीचर है, मैक्सिमम एफिशिएंसी 97.6% इसकी है। वैसे तो हम इसको 100% कह सकते हैं, लेकिन आइडियल कंडीशन के अंदर 100% वो हमें रिजल्ट भी मिला है। लेकिन जो अगर आप इसमें 6500 वाट तक के पैनल लगाएंगे तो इसकी जनरेशन 100% एफिशिएंसी, मतलब 5000 का इसका रेटेड इन्वर्टर है, तो हमने 5100 भी इसके ऊपर जनरेशन देखी है, 200 भी देखी है। तो इसकी वजह से हमने इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी 97.6 कैस रखी है। वैसे तो इसकी जो है वो 100% ही है। तो सपोर्ट मल्टीपल पैरेलल, ये नाइट्रोक्स आपको सब पता है कि ये अप टू 3 यूनिट्स जो है वो पैरेलल हो सकते हैं। जीरो एक्सपोर्ट पावर का इसमें ऑप्शन है कि आपको एक्सपोर्ट करनी है, नेट मीटरिंग अगर आपकी अप्रूव हो चुकी है तो आप इजीली इससे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो हमारे पास ये IP65 इन्वर्टर है और सपोर्ट जनरेटर कनेक्शन, बिल्कुल इसके जो जैन पोर्ट है उसके ऊपर आप जनरेटर कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से चार्जिंग और अपना लोड चला सकते हैं। उधर मैं तो कह रहा हूँ कि लोग ये इससे तो वैसे हर कोई वाकिफ है, तो हमें इस पर ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है वो हम अपने इन्वर्टर के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एक 10 किलो वॉट का हाइब्रिड इन्वर्टर 3 फेज IP65 में इनविक्स ने फर्स्ट टाइम मुतारिफ कराया। तो सबसे पहले मैं आपको आप सबसे गुजारिश करूँगा कि नाइट्रो सीरीज 10 किलो वॉट के 3 फेज इन्वर्टर के लिए आप सबसे भरपूर तालियों की गुजारिश है। इनविक्स हमेशा वो चीज़ पाकिस्तान में लेके आता है जो कि इससे पहले पाकिस्तान में मौजूद नहीं होती। इससे पहले जितने भी मार्केट में हाइब्रिड 3 फेज इन्वर्टर्स हैं वो IP21 होते हैं या IP20 होते हैं। इन्वेरेक्स ने इस साल फिर इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखा फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में चीज़ इंट्रोड्यूस कराने का, जिसमें 10 किलो वॉट का 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर 48 वोल्ट जो कि 13,000 वॉट्स ऑफ सोलर MPPT सपोर्ट करता है। अब लोग नाइट्रोक्स इन्वर्टर के MPPT से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ ऐडअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी डुअल MPPT है और इसका जो एक MPPT है वो 25 एम्पीयर्स का है और इसका जो दूसरा MPPT है वो 12.5 एम्पीयर्स का है। इट मीन्स के इस इन्वर्टर के साथ आप सिर्फ दो स्ट्रिंग नहीं बल्कि 3 स्ट्रिंग्स भी 13,000 वोल्ट के अंदर अंदर रहते हुए लगा सकते हैं। तो MPPT 1 जो है इसका उसके ऊपर 2 स्ट्रिंग्स लग सकती हैं और MPPT 2 जो है उसके ऊपर सिंगल स्ट्रिंग लग सकती है।
हाई वोल्टेज डीसी, इसमें आपको 400 वोल्ट तक नहीं बनाने की ज़रूरत, इसके अंदर आप 140 वोल्ट से लेके 800 वोल्ट तक के सोलर पैनल स्ट्रिंग में लगा सकते हैं, मतलब 800 वोल्ट की जो कि हम मोस्टली देखते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जो होते हैं उसके अंदर 150 वोल्ट से 800 वोल्ट तक की रेंज होती है। सिमिलरली इसमें भी इस इन्वर्टर में 10 किलो वोल्ट हाइब्रिड में जो कि 48 वोल्ट पर डिज़ाइन हुआ हुआ है वो 140 वोल्ट से 800 वोल्ट इसकी वोल्टेज रेंज है। थ्री फेस ऑब्वियसली हम देखते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सिंगल फेस में नेट मीटरिंग नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ थ्री फेस में नेट मीटरिंग होती है और उनको एक हाइब्रिड इन्वर्टर भी चाहिए होता है क्योंकि वहाँ पे लोड शेडिंग होती है, तो उसके लिए एक आइडियल इन्वर्टर है 10 किलो वॉट थ्री फेज जिसके ऊपर आप नेट मीटरिंग का लाइसेंस भी ले सकते हैं, उस पर ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं, इसकी टच एलसीडी के थ्रू आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान में इन्फिनी के बाद कोई दूसरा इन्वर्टर इससे पहले नहीं आया था जो कि 200 एम्पीयर्स की चार्जिंग कर सकता था। इस इन्वर्टर में 210 एम्पीयर्स का सोलर चार्जर मौजूद है जिसके साथ आप 32 से लेकर 64 बैटरीज को भी बखूबी आराम से चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसके और ऑप्शंस क्या क्या हमें मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, सिमिलरली 5.2 किलो वॉट नाइट्रॉक्स जीरो स्पोर्ट फीचर, आपको कोई चीज़ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है इस इन्वर्टर के साथ, इसी के इसके ऑप्शन है, आप वो सिलेक्ट करें तो इन्वर्टर रिवर्स फीडिंग शुरू कर देगा, आप उस ऑप्शन को बंद कर दें तो इन्वर्टर रिवर्स फीडिंग करना बंद कर देगा। IP65, इससे पहले इनवेरिक से पहले किसी और ने IP65 10 किलो वॉट थ्री फेज का इन्वर्टर मार्केट में मुतारफ़ नहीं कराया, तो इट्स यूनिक फीचर। हाई पावर फैक्टर सब आगे होंगे, 10 किलो वॉट थ्री फेज के ऊपर आप पूरा 10 किलो वॉट में कम्प्लीटली लोड चला सकते हैं, टच स्क्रीन एलसीडी डिस्प्ले और ग्रिड फीडिंग ऑप्शन। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, देन वी कैन सी इन्वर्टर्स मोर डिटेल्स। सपोर्ट मल्टीपल पैरेलल, अच्छा उधर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता चलूँ, जो कि फर्स्ट हमारा वेरियंट है 10 किलो वॉट थ्री फेज का वो फिलहाल पैरेलल नहीं हो सकता, बट इन फ्यूचर आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ हम इसके फर्मवेयर के ऊपर काम करें, बिकॉज ये डिज़ाइन करना इन्वर्टर इतना आसान नहीं है क्योंकि IP65 इन्क्लोजर के अंदर लेके आना इन्वर्टर को, उसके बाद उसकी हीट को कंट्रोल करना, उसके साथ करंट शेयरिंग कराना मल्टीपल इन्वर्टर्स का, इट इज़ अ बिग डील। तो उसके फर्मवेयर की स्टेबिलिटी को देखते हुए ये इन्वर्टर अभी सिर्फ सिंगल मोड के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, पैरल मोड में ऑपरेट नहीं कर सकते, बट आफ्टर 2 to 3 months हमारा फर्मवेयर रेडी हो जाएगा और इस इन्वर्टर्स को आप मल्टीपल इन्वर्टर्स पैरल कर सकते हैं। इसके साथ साथ RS485 कनेक्शन है जो कि आप BMS किसी भी इन्वर्टर के BMS के साथ इसको कम्युनिकेट करा सकते हैं। 6 टाइम ऑफ यूज सेटिंग्स, अच्छा जो लोग ऑलरेडी नाइट्रॉक्स यूज़ कर रहे हैं उनमें उनको पता होता है कि सिस्टम वर्क मोड के अंदर 6 टाइमर्स की सेटिंग्स हैं जिसको आप बता सकते हैं इन्वर्टर को कि इस टाइम से इस टाइम तक मेरी चार्जिंग करना है बैटरीज की, उसके बाद चार्जिंग बंद कर देनी है, उसके बाद बैकअप मोड पर आ जाना है। तो ये सारी सेटिंग्स 6 टाइम के रेफरेंस इसके अंदर दिए हुए हैं जिसको आप सेट करके इन्वर्टर्स को कमांड दे सकते हैं और ये ऑटो पायलट मोड के ऊपर ऑपरेट करता है। इसके अंदर इंटरनल SPDs होती है, DC डिसकनेक्टर होता है जो कि आपको आइसोलेशन के सूरत में एरर मोस्टली देखते हैं कस्टमर्स की, बारिशों के दिनों में हमारे पास बड़ी कॉल्स आई कि इन्वर्टर में F23 का एक एरर जनरेट हो रहा है। F23 का एरर है क्या? F23 का एरर ये है कि इन्वर्टर लीकेज करंट सोलर की साइड से आपको सेंस कर रहा है। उसमें हम देखते हैं कि जब कोई ऐसा मौसम होता है जिसमें ओस गिर रही होती है, जिसमें बारिश हो रही होती है, जिसमें नमी वाला मौसम होता है, तो सोलर पैनल के ऊपर जो पानी जमा हो जाता है वो स्लाइड होके या तो सोलर पैनल्स की जो एंगल्स हैं उसके ऊपर आ गया है, सोलर पैनल्स की वायर की डक्टिंग में चला गया है, सोलर का जो तार हम यूज़ कर रहे हैं उसकी इंसुलेशन ख़राब हो गई है, जो टच हो रही है सोलर पैनल्स की माउंटिंग से, तो वो लीकेज करंट जब इन्वर्टर तक आता है तो इन्वर्टर आपको इंडिकेट करता है कि इस चीज़ को देखें कि आइसोलेशन हो रही है, उसको आप रिजॉल्व करें, अदरवाइज इन्वर्टर के डैमेज होने का खतरा होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस इन्वर्टर में आगे क्या फीचर्स हैं। अच्छा, नाइट्रॉक्स सीरीज में हमने देखा कि 5 किलो वॉट हाइब्रिड था पहले हमारे पास। अच्छा, ठीक है, आपकी बात करता हूँ। पिछली स्लाइड के अंदर 10 किलो वॉट थ्री फेज का इन्वर्टर है, अगर हम उसको सिंगल फेज ही पर चलाएं, मतलब हम सिंगल फेज आउटपुट ले रहे हैं और दो फेज हमारे जीरो हैं, तो हम उस पर कितना लोड चला सकते हैं, ये मेरे जहन में सवाल आया, तो हमारे ऑडियंस और जो स्टॉलर बैठे हैं उनके जहन में भी आया होगा, तो इसके बारे में आप जो उनको ब्रीफली बता दें कि अगर हम सिंगल फेज के ऊपर से आउटपुट लेंगे और हम दो फेज यूज़ नहीं कर रहे तो क्या ये पूरा 10 किलो वॉट हमें देगा या हमें वो 3.5 किलो वॉट या 3 किलो वॉट जो पर फेज बनता है वो देगा? सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर मैं 10 किलो वॉट नाइट्रॉक्स हाइब्रिड की बात करते हुए बताता चलूँ,
कि अगर लेट सपोज किसी के पास सिर्फ सिंगल फेज ही लोड है और वो एक ही फेज के ऊपर से लोड चलाना चाहे, तो पहले जितने इन्वर्टर्स हमारे मार्केट में मौजूद है उसमें अगर एक फेज के ऊपर ही लोड अनबैलेंस होगा या ओवरलोड होगा तो पूरा इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है। इस इन्वर्टर में ऐसा नहीं है, अगर आप एक सिंगल फेज के ऊपर 50% लोड भी डाल देंगे तो इस इन्वर्टर के ऊपर ओवरलोड का एरर नहीं आएगा। तो इस इन्वर्टर के ऊपर 10 किलोवाट की अगर आप सिर्फ सिंगल फेज के ऊपर लोड चला रहे हैं तो आप 5 किलोवाट तक का लोड इसके सिंगल फेज के ऊपर से निकाल सकते हैं बखूबी। अगर आप सिर्फ 2 फेज के ऊपर ऐसे लोड निकाल रहे हैं तो आप 5 किलोवाट एक फेज से और 5 किलोवाट दूसरे फेज से लोड चला सकते हैं। अगर आपने सिंगल फेज के ऊपर एक 5 किलोवाट का लोड डाल दिया है और बाकी एक फेज के ऊपर 3 किलोवाट लोड चल रहा है और एक और के ऊपर फिर आप 2 किलोवाट का लोड डाल के चला सकते हैं, मतलब आप फेज के लोड्स के ऊपर अनबैलेंसिंग कर सकते हैं इस इन्वर्टर को। 50% तक एक फेज के ऊपर से आप इसके लोड निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी और इस चीज़ से आपने सीखा होगा कि 10 किलोवाट के एक फेज से आप सिर्फ 3.3 किलोवाट का ही पर फेज लोड नहीं निकाल सकते बल्कि इन्वर्टर की रेटेड पावर के 50% तक आप सिंगल फेज के ऊपर से लोड निकाल सकते हैं। तो ऑन ग्रिड सीरीज में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इसमें आपको सीधा से बताऊँगा। ऑब्वियसली ऑन ग्रिड सीरीज के अंदर हमारे पास 5 किलोवाट नाइट्रॉक्स से लेके पहले 25 किलोवाट तक नाइट्रॉक्स अवेलेबल थे, तो फिर लास्ट टाइम हमने 50 किलोवाट और 75 किलोवाट के इन्वर्टर्स को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जो कि इस वक्त ईजिली अवेलेबल हैं। बट इस साल हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 100 किलोवाट नाइट्रॉक्स ऑन ग्रिड भी इन्वर्टर मार्केट में मुतारिफ कराएंगे। तो हमारी इन्वर्टर की जो सीरीज़ है वो भी बढ़ती जा रही है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट वेरियंट्स ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के क्या क्या हैं। फॉरवर्ड।